1971 का सन भारत के लिए ऐतिहासिक रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि भारत और पश्चिम तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी। उस जमाने में एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान था और दूसरी तरफ पश्चिम पाकिस्तान, और वहां पर स्वाधीनता का आंदोलन पूर्वी पाकिस्तान में चल रहा था शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में। भारत की सीमाएं तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी और वहां पर जो परिस्थितियां निर्मित हुई उससे हमारा देश प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता था। शरणार्थियों की टुल्लर की टुल्लर चली आ रही थी। ऐसे में भारत की सरकार को पूर्वी पाकिस्तान में हस्तक्षेप करना एक ऐतिहासिक आवश्यकता बन गई और भारत ने उस लड़ाई में भाग लेना पड़ा। भारत की विदेश नीति और कूटनीति कभी एक अरबारा नहीं करती और आज भी वही स्थिति है कि हमने कभी भी किसी दूसरे देश के मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जब भी भारत की प्रभुता पे, भारत की एकता पे, अखंडता पे और भारत की संप्रभुता पे कोई आंच आने की संकेत होता है या संभावना होती है तो भारत की सेना रुक नहीं सकती, और वही 1971 में किया गया। यूनाइटेड नेशंस का भी दबाव था कि भारत को जल्दी से जल्दी ढाका पर हमला करना चाहिए, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में जिस तरह से बांग्लादेशियों पर अत्याचार हो रहे थे पश्चिम पाकिस्तान के द्वारा, भारतीय सेना ने तत्काल हस्तक्षेप किया और 4 सिख रेजिमेंट के जवानों ने अद्भुत कौशल का परिचय देते हुए इस लड़ाई में भाग लिया और 6 दिसंबर का वो दिन इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। हमने आधे पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था, तो यह आज के दिन की विशेषता है। और इसमें हमारी जो नौसेना है उसने बहुत विशेष रूप से बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और लगभग पाकिस्तान की आधी नौसेना का सफाया कर दिया था। यही नहीं, इस नौसेना ने 2019 में भी जहां तक मुझे याद है पुलवामा के हमले में भी जो नौसेना ने जिस प्रकार से भाग दिया और वहां पर पाकिस्तान की नौसेना को नेस्त नाबूद करने में कोई कमी नहीं रखी थी। और यही कारण है कि उस वक्त भी जब पूर्व पाकिस्तान में लड़ाई हो रही थी तो ढाका तक पहुंचने के लिए हमें जैसोर को कब्जे में लेना था। कूटनीतिक दृष्टि से जैसोर बांग्लादेश का तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान का बहुत महत्वपूर्ण एक कूटनीतिक सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था और वहां पर 3 प्रमुख सड़कें जुड़ती थी। इस क्षेत्र पर कब्जा करना बहुत जरूरी था। भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय कर यहाँ पर जो इन्फेंट्री की जो 2 ब्रिगेड थी वहां पर पाकिस्तान की, एक तो 9 नंबर की और एक 107 नंबर की, उनको धराशाही करके पूरे आधे पश्चिम पाकिस्तान को कब्जे में ले लिया। और फिर आता है, हम आपको 16 दिसंबर को भी दिखाएंगे, बताएंगे और इसकी जानकारी देंगे कि 16 दिसंबर को पूरे पूर्वी पाकिस्तान पर भारत ने कब्जा किया था और एक देश को जन्म देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण, अंतर्राष्ट्रीय जो भारत को आग्रह किया जा रहा था वो भारत की संप्रभुता पर भी एक दिक्कत समस्या खड़ी हो गई थी। भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया और 1,00,000 सैनिकों को वहां से पकड़ा और उनको भारत ने शरण दी। इस अपूर्व विजय के लिए भारतीय शौर्य वीरों को प्रणाम, नमन।